क्या चीज बन जाती है ये? मतलब पानी का ड्रॉप आप मुझे दो तो क्रिएट कर सकता हूँ को मैं उसको मखलूक में नहीं कर सकता। किसी साइंटिस्ट को दे दो, दुनिया के बड़े से बड़े, ये ले पानी का कतरा बना, इसको खुद बना, उसका बाप भी नहीं बना सकता। कोई गैर मुस्लिम को दे दो, बोल चल अपने खुदाओं को पुकार, पानी के कतरे को बदल के देखा, वो भी नहीं बदल सकते। क्रिएटर अल्लाह है। वैसे इस बात का क्या सबूत है? अब एक बात करते हैं कि इसका क्रिएटर अल्लाह है, इसके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ है या भाई बनाने वाले की छाप, भाई इसका क्रिएटर का नाम ये है? तो मैं इसका आपको जवाब बता देता हूँ साहब। हाँ, इसका जवाब है, वाकई में जो बनाता है वो अपने नाम को लिख लिख के भी दिखाता है अपनी मखलूक पर ही, इसी तरह की मखलूक पर, चरिंद परिंद पर, लेकिन जिस पर वो चाहता है उस पर लिख के दिखा देता है, वो अल्लाह करता है। वो आप देखना गॉड ऑफ नेचर .org वेबसाइट है, आपको दिखेगा कैसे कैसे किन किन जानवर चरिंद परिंद दरिंद पर अल्लाह ने अपने नाम को लिख कर दिखाया है, उनके परों पर लिख दिया, किसी के मुंह से उसने अपना नाम बुलवा दिया, किसी के जिस्म पे अपना नाम लिख दिया। तो अल्लाह ने अपना नाम लिख लिख के दिखाया है जिस पर चाहा उसने, ठीक है, सब पे नहीं, जिस पर चाहा। तो चूंकि वो क्रिएटर है इसलिए वो अपना नाम लिख के दिखाता है, और ये वो अपनी ताकत से अपनी कुदरत से करता है। अब अल्लाह के सिवा चूंकि किसी और ने क्रिएट ही नहीं किया है तो वो अपना नाम खुद लिख के नहीं दिखा पाता। इंसानों की बात में नहीं कर रहा कि वो आपको मैनुअली मार्कर लेके खुद कर दो, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली कुदरती, कि जब कि क्रिएट हुआ है जानवर या परिंद या दरिंद या चरिंद और उस पर अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखना है आपने तो जाएं आप ये prophetofnature.com वेबसाइट पर, वहाँ जाके आप देखें किस तरीके से जो है नाम मोहम्मद नाम मखलूकात पे, नेचर की मखलूकात पे लिखा होता है, और वो अल्लाह लिखता है। एक तो वो अपना नाम लिखता है इसलिए क्योंकि वो खालिक है क्रिएटर होने की वजह से, और दूसरा वो मोहम्मद नाम लिखता है इस वजह से क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, बाकी किसी और का नाम वो नहीं लिखता। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, आपको गौर कर ले रहा, मैं किसी आपको कोई चूहा आसमान पे दिख जाए या कहीं और कोई सिंबल ऐसा दिख रहा हो, यार ये तो कोई स्लेब का साइन बन रहा है या वो मस्जिद का साइन दिखता है या वो वाटर साइकिल दिखता है कुछ, नहीं मैं बात कर रहा हूँ एक नाम की, एक आइडेंटिटी, एक नेम की, और अरबी में बात कर रहा हूँ। अल्लाह अरबी में लिखता है अल्लाह, और अरबी में लिखता है मोहम्मद, आगे समझ में, क्योंकि अरबी में उसने कुरान नाजिल किया है, अरब के दौर में अरबी जुबान में अरबी एक अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुआ ना, तो आप देख लें अरबी में ही अल्लाह लिख के दिखाता है, और 21वीं सदी में कर रहा है ऐसा। तो ये इस बात का सबूत है, प्रैक्टिकल सबूत है, कि जो क्रिएटर है इनका चरिंद परिंद दरिंद का, वो अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। यानी कि ना राम है, ना कृष्णा है, ना विष्णु है, ना हनुमान है, ना सीता है, ना मोसेस है, ना जीसस क्राइस्ट है, कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि वो जीसस क्राइस्ट वगैरह किसे फला फला खुदा है, ना 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 ना, अगर है तो वो अपना नाम लिख के क्यों नहीं दिखाते? कोई नहीं लिख के दिखाता, कोई नहीं लिख के दिखा रहा, ना जीसस दिखा रहा है, ना मोसेस, ना जियोस, ना राम, ना कृष्णा, ना विष्णु, ना हनुमान, ना सीता, ना फला ना फला। आप अल्लाह के सिवा दुनिया में जितने भी खुदाओं के नाम बनाए हुए हैं सदियों से, पता नहीं कोई 800 प्लस और हजारों प्लस या करोड़ों प्लस कर लो अगर, जो भी आपको गूगल वगैरह पर मिले, सवाल यह है कि एक अल्लाह के सिवा बाकी सारे खामोश क्यों हैं इस मामले में? एक अल्लाह के सिवा बाकी सारे के सारे जितने भी नामों को बनाया हुआ था खुदा, वो अपने नाम को क्यों नहीं लिख के दिखा पा रहे किसी भी नेचर की मखलूक पर? क्योंकि क्रिएटर है ना, अगर वो तो करके दिखाएं, अल्लाह क्रिएटर है, उसने क्लेम किए कि हाँ वो क्रिएटर है, और उसके क्लेम कुरान में मिल जाएंगे कि उसने कैसे कैसे दावे किए मखलूकात के हवाले से, कि वो बनाता है ये चरिंद परिंद दरिंद को, वो चलाता आसमान के बादलों आसमान पे बादलों को, वो पानी और ये रेत और रेगिस्तान पत्ते दरख इनको कंट्रोल करता है, उसने क्लेम किया, और वो उनके जरिए अपने नामों को लिख के दिखा अपने नाम को लिख के दिखाता है। दैट्स अल्लाह, नो वन एल्स। क्यों भाई आप तो गए है ना, आप तो चले गए, बड़े एक लेसन ले गए, दे गए दुनिया वालों के लिए अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह के फजल से गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये है तो मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना इसके साथ, इसी वजह से। अब इसमें कीड़े और कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे हल्की सी चलती हुई, तो अब मुझे इसको ले आना, और इसका टाइम तो हो चुका है ज़ाहिर है, लेकिन इसके साथ एक मैंने एक पिछली मरतबा कबूतर जो डेड कबूतर था उसके साथ भी एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था अल्लाह के फजल से, वो भी एक लेसन था। इस बार शाहीन के साथ, वैसे भी लेजेंडरी फ्रीलांसर के जो लोगो है उस पर जो लोगों के साथ आइकॉन है पावर्ड बाय अल्लाह के साथ, उधर लेजेंडरी फ्रीलांसर में शाहीन बना हुआ है, देखा होगा, नहीं देखा तो आप गौर कर लेना। तो ये तो अल्लाह के फजल से आया घर की मेरी घर के बाहर, और कार पर बैठा हुआ था,
हट ही नहीं रहा था, उतर ही नहीं रहा था, भाग ही नहीं रहा था कहीं, फिर ले आया था मैं इसको अपने पास। एनी वे थैंक यू सो मच अल्लाह फॉर सेंडिंग दिस गिफ्ट एंड फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस वीडियो लेसन फॉर द फॉर दोज डिसबिलीवर्स हु थिंक वाइसली। मे बी कोई अकल इस्तेमाल करे और सोचे और वापस दीन इस्लाम में लौट कर आ जाए। बता दिया मैंने, अकल वालों के लिए तो इतनी निशानी काफ़ी है, बाकी आप चेक करो, खुद सबूत चेक करो, रिसर्च करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो और कबूल करो इस्लाम को और मान लो अल्लाह को सच्चा खुदा, मान लो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, मान लो कुरान को अल्लाह का सच्चा कलाम और मान लो दीन इस्लाम को और मान लो हाँ दीन इस्लाम को सच्चा दीन मान के और आज उसमें एंट्री लेके, बाकी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में अमल किए हैं, जो भी किए हैं, चाहे किसी से शादी की, चाहे किसी को कुछ भी कोई एक्शन भी जिस पर आज के डिसबिलीवर एतराज़ करते हैं कि ये क्यों किया उन्होंने, वो क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसलिए किया, इसलिए किया क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, इसलिए किया। उनके हाईएस्ट लेवल के सामने किसी मखलूक की मजाल और हिम्मत नहीं है कि वो उनकी शख्सियत के किसी काम पर यह एतराज़ करें कि उन्होंने फला काम क्यों किया। क्या दुनिया में कोई उनसे ज़्यादा हाई लेवल का है? किसी काफिर की हैसियत क्या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? किसी एथियस की हैसियत क्या है? किसी गैर मुस्लिम की हैसियत क्या है? किसी मुल्हिद की हैसियत क्या है? किसी मुर्तिद की हैसियत क्या है? दुनिया के अंदर जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ना, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, तो वो जिस लेवल से बात करता है और कलाम करता है ना अपना, जब पब्लिक में स्पीकिंग करे या वो कोई काम करे, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ करने वाले बहुत से वो लोग होते हैं, बहुत से, सब नहीं, बहुत से समझते हैं, बहुतों का लेवल डिफरेंट है, लेकिन अक्सर बहुत सारे वो होते हैं जो जाहिल होते हैं, उनके सेंसेस और माइंडसेट उस लेवल का नहीं होता वो जहां से बात कर रहा होता है, लेकिन अगर वो बहुत सिंप्लीफाई करके बात करता है, समझाता है, तो उसकी बातों को नहीं लेंगे, उसके उसके उस चीज़ों को नहीं समझेंगे जो वो कह रहा है, बल्कि उसके करेक्टर पर चले जाएंगे कि वो फला काम क्यों कर रहा है, फला काम क्यों कर रहा है। सेम टू सेम अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम किए हैं, तो उन्होंने जो किया वो दुरुस्त किया, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो जो करें ठीक है, लेकिन उनके कामों पर उन्होंने वो काम क्यों किया, यूँ क्यों किया, क्यों किया? तो वो लोग जिन्हें अब तक ये शऊर नहीं है कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है, वो लोग जिन्हें अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद भी इस बात का कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा कि कायनात का खालिक अल्लाह है, ऐसे जाहिलों की बातों को लेकर क्या बिलीव करना, क्या बिलीव करना कि अल्लाह ने क्या किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह तो बादशाह, वो तो जो दिल चाहे करे, चाहे सारी मखलूक को उड़ा के जहन्नुम में डाल दे, चाहे सारी मखलूक को उड़ा के जन्नत में डाले, उसकी मर्जी है, लेकिन उसने कानून बनाए, उसने कानून सेट कर दिए। दुनिया के तमाम वो लोग जो गैर मुस्लिम मरेंगे, बता रहा हूँ मैं, जो गैर मुस्लिम मरेंगे इन सबूतों को जानने के बाद, निशानियों के बाद जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो गैर मुस्लिम मर गए कुफर पर मरे, हमेशा के लिए जहन्नुम में जाके चलोगे, हमेशा के लिए, कानून सेट है, दीन इस्लाम के लिए सिवा कोई दिन कबूल नहीं किया जाएगा किसी से भी, जो भी गैर मुस्लिम मरेगा, ठीक है, अगर नहीं करते तो भुगत तो, अगर कर लें तो बच जाएंगे, चले जाएंगे जन्नत में, चाहे गुनहगार हो सजा वगैरह मिलेगी, पहुंच जाएंगे जन्नत, लेकिन कुफर पे मर गए हमेशा के लिए जानते, नो एंट्री इंटर, नो एंट्री जन्नत के अंदर, नेवर एवर, अल्लाह का कानून है, अल्लाह के फैसले अटल है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वाहिद अल कहार।